नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर देहात पुलिस की ओर से 6 क्विंटल भुक्की सहित एक व्यक्ति को किया गया काबू। उदयपुर से नशे की खेप लाकर फिलौर में करने जा रहा था सप्लाई। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगलंबिया के कत्ल के मामले में जालंधर पुलिस ने एक अन्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर के 100 फुटी रोड पर एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक्टिवा और मोबाइल छीनकर 3 नौजवान लुटेरे हुए फरार। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब पुलिस की ओर से नशों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए जालंधर देहात पुलिस की ओर से 6 क्विंटल भुक्की सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी अंकुर गुप्ता ने बताया कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फिलौर में लगाई गई हाईटेक नाके पर पुलिस ने एक ट्रक को रोका और जब उसकी जाँच की तो जाँच के दौरान उसमें से 6 क्विंटल भुक्की बरामद हुई। गौरतलब रहे कि आरोपी उदयपुर से ये नशे की खेप लेकर आया था और फिलौर में इसे सप्लाई करना था। वही उन्होंने बताया कि आरोपी का 4 दिन का रिमांड हासिल कर गहनता से पूछताछ की जाएगी। जिवें तुसीं अपने ओपनिंग रिमार्क्स किया ही है जी कि जेके दा ट्रक सी उहदे विच पीओपी लोड की हुई सी ते जदों साडी नाका पार्टी ने रोकिया फिलौर हाईटेक नाका साडा लग्गिया ही होया इलैक्शनां दे करके असीं उहनूं होर टाइट कीता होया। सो नाका पार्टी ने सर्च की पहला पीओपी मिली फिर कुछ शक भी होया ते वो तो बाद जो होर थोरो सर्च की तो प्लास्टिक बैग जोड़े होंगे है वो सानू मिले 24 के करीब तो वो 25-25 किलो वे करन ते पता चलिया कि पॉपी हस्क है। टोटल 6 क्विंटल जी है पॉपी हस्क सानू बरामद हुई। कितों लैके आ रहे सन, कितने लैके जाना सी, कि पहला भी इदा गतिविधियां बंदा शामिल सेगा? ये बेसिकली जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पुछगिछ आया है यह उदयपुर तो चलिया ट्रक तो अमृतसर जाना सी। सो ट्रक के ड्राइवर रणजोत सिंह नाम का बंदा है वो लैके आया सी। जिहड़ा लैके जाना सी ये फलौर दे विच ही लथना सीगा जां अमृतसर जाके लथना सी, ते ये किन्नी क रकम इन्हें लैनी सीगी इहनूं डिलीवरी करन दी? बेसिकली फिलौर दे विच ही उतरनी सी जो प्रिलिमिनरी तौर पर पता चलिया, बाकी तो असीं हुण इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स रिमांड लैके करांगे उहदी पुछगिछ भी करांगे। तो जो प्रिलिमिनरी तौर पर पता चलिया कोई हरविंदर सिंह बासी हैगा नाम का बंदा गढ़ा पिंड का, पहला भी वो नोन समगलर हैगा तो वो इस टाइम भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें काबू किया होया। पिछले साल अप्रैल 8 क्विंटल डोडे उस तो भी फड़े गए थे। सो उहदी ही खेप प्रिलिमिनरी तौर पर पता चली है, बाकी डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जिदा तुसीं जिक्र कीते भी हरविंदर नाम का शख्स जिहड़ा जिहदी गड्डी भी जिहदी ट्रक भी जिहदा सीगा और यह जिहड़ी गतिविधि है यह जेल के अंदरों बैठ के कर रहा सीगा जिहड़ी मंगवा रहा सी? बिल्कुल जी, ये साडे लिए भी एक मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैगा। असीं भी इसते ही ताही हुण रिमांड लैके गल नूं वेरीफाई करांगे कि किवें उहदा कॉन्टैक्ट साधिया गया उहदे नाल जिहड़ा हुण असीं बंदा फड़िया। सो यह सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, असीं पूरा ऑन रिकॉर्ड लिया के अगली तफ्तीश करांगे। एक आखिरी सवाल हैगा, तुसीं जिदा जिक्र किया कि एक ड्राइवर सिगा हरविंदर सिंह का, हरविंदर सिंह ट्रांसपोर्टर है या भाड़े पर ट्रक भेजता जिदे विच ये माल सारा सप्लाई हुंदा? ये भी मैटर ऑफ हुण इन्वेस्टिगेशन ही हैगा जी, वो भी वो किन्ना क वड्डा ट्रांसपोर्टर है, किन्ने उहदे कोल ट्रक है या ट्रांसपोर्टर है भी कि नहीं। बट हाँ, इन्ना जरूर है कि जिहड़ी ये कंसाइनमेंट जो सानूं अक्यूज ने दसी है वो उहदी सी। रिमांड हुण असीं लवांगे जी, 2 या 3 दिन का रिमांड असीं लवांगे तो डिटेल सारी इन्वेस्टिगेशन करके अगे जिहड़ी हैगी असीं पूरी इहदी इन्वेस्टिगेशन करके इहनूं मुकम्मल करांगे। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगलंबिया के कत्ल के मामले में एक अन्य आरोपी को जालंधर पुलिस ने काबू करने में सफलता हासिल की है। गौरतलब रहे कि 14 मार्च 2022 को मलिया खुर्द में कत्ल किए गए संदीप नंगलंबिया मामले में जालंधर देहात पुलिस 5वें दोषी को गोइंदवाल जेल में से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। आरोपी ने कातिलों को 1 दिन पहले अपने घर में पनाह दी थी और उन्हें गाड़ी भी मुहैया करवाई थी। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी अंकुर गुप्ता ने बताया कि आरोपी का रिमांड हासिल कर उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी ताकि इस मामले में और खुलासे हो सकें। जिवें तुसीं दस्सिया ही है जी, संदीप नंगलंबिया कबड्डी प्लेयर का मर्डर होया सीगा 14 मार्च 2022 नूं। उहदे विच इक कल असीं अक्यूज्ड सीगा, उहदी अरैसट पाई हैगी, उह पीओ सीगा साडे केस दे विच ते गोइंदवाल साहब तो जेल तो लैके असीं उहदी पीओ दी प्रोसीडिंग चल रही सी, पीओ डिकलेयर सीगा ते उहनूं असीं अरैसट पाई है। बेसिकली इहदा रोल इह सीगा कि इहने जिहड़े शूटर सीगे मेन मौके ते आए उहनां नूं इहने ठार दित्ती सी अमृतसर दे विच, अमृतसर दे रहण वाला जी जी जी। तो उस तो इलावा जिहड़ा हैगा यह आम जैक्ट दे विच उस जेल च बंद सीगा। सो असीं इहनूं इहदी अरैसट पाई है। कोई रिमांड वगैरह लग गया लिया हुण इहदा?
हले रिमांड लेना है जी। अच्छा, जी जी तो और की पुछगिछ करनी है को बाकी है? बाकी यही है कि जिवें जिहड़े शूटर सीगे जिहड़े जिन्हां नूं इहने ठार दित्ती सी उहदा की रिलेशन है, किवें सारी चेन बनी, उह सारी इन्वेस्टिगेशन लैके आवांगे। अमृतसर के 100 फुटी रोड पर गत रात्रि एक बुजुर्ग व्यक्ति से उसकी एक्टिवा और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। इस मौके पर पीड़ित बुजुर्ग व्यक्ति परमिंदर कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वे गत रात्रि गोल्डन गेट से अपने घर सुल्तानबिंड जा रहे थे। जब वे अपने घर पहुंचने वाले थे तो 100 फुटी रोड पर हनुमान मंदिर के पास पीछे से 3 नौजवान लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और वे उनकी एक्टिवा और मोबाइल छीन कर फरार हो गए। वहीं पीड़ित व्यक्ति की ओर से पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की गई है। तो वहीं मौके पर पहुंचे थाना सुल्तानबिंड के पुलिस अधिकारी ने बताया कि परमिंदर कुमार नामक व्यक्ति अपने काम से वापस लौटकर अपने घर जा रहा था कि रास्ते में 100 फुटी रोड पर 3 नौजवानों जिनकी उम्र 20 से 22 वर्ष के करीब थी, उनकी ओर से उक्त व्यक्ति की एक्टिवा और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि उनकी ओर से जांच की जा रही है और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं इधरों आ रहा थी ते किधरों आ रहा थी एफआईआर गोल्डन एवेन्यू लगू फ्लाइटा लगू ते इथे अपने घर नु मुड़ लगा हनुमान दे मंदिर ते मगरों 3 मुंडे आए आ उन्होंने मेनू हो कर ले की किताब लेके तेरे एक्टिवा ते मोबाइल उन्हां को अच्छा से आ रहे सी जब व्यापार में गए सी की गा सी होगा कुछ ना कुछ ते होगा ही उन्हां को हनुमान मंदिर 100 फुटी रोड पे 3 नौजवान 22 साल की उम्र खो के लगे निकल गए लगा हो फिर भी जेडे लुटेरे ने थां थां नाके भी लगे ने पर फिर भी वो अपने बाज नहीं आते। देखो जी कोशिश तो पुलिस पूरी कर दी है, ठीक है ना, जो ये आदि फरन भी डे आ तकरीबन एक दो किसी ना किसी पासे काबू किए होंगे ऐसी गल नहीं। चलो ड्यूटी मुलाजमान की कमी करके थोड़ा बहुत हो जाता पर कहते तो ज्यादा तो नहीं निकल के वैसे आने काबू। अमृतसर के बाबा बुड्ढा जी एवेन्यू में एक निजी स्कूल के कैमरे तोड़ने का मामला सामने आया है। तो वहीं ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन ने बताया कि स्कूल के छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल में कैमरे लगाए गए थे। वहीं उन्होंने कहा कि स्कूल के साथ लगते प्लॉट की दीवार एक महिला की ओर से बार बार तोड़ी जा रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले भी पुलिस को दी थी। वे उन्होंने कहा कि महिला की ओर से उस प्लॉट पर अपना मालिकाना हक जताया जा रहा है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पटवारी को बुलाकर दोनों पक्षों के पुख्ता दस्तावेज चेक किए जाएंगे, जिसके बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सचो सुल्तानबिंड इतने जगह प्लाट का पुराना विवाद है जो चल रहा पिछले समय तो चल रहा जी। दोवें धिर जड़ियाँ वा ना आपो अपना दावा पेश कर रही हैं। दोवें धिर दावा पेश कर दें कि यह जो प्लाट है मेरा वा। एक धिर दावा कर दी ये प्लाट मेरा। एक धिर की मालकी मुताबक जमाबंदी 16 मरले आ रही है। एक धिर की मालकी मुताबक जमाबंदी 7 मरले आ रही है। यह प्लाट एक धिर 583 मालिक है, दूसरी धिर भी 583 की मालिक है 7 मरले जगह की मुताबक रिकॉर्ड। हुण इह जिहड़ा विवाद आ प्लाट दा पुराना चल रहा किहड़े खसरे दे विच प्लाट है वह क्लीयर करना जरूरी आ, जिहदे वास्ते निशानदेही करवाउणी जरूरी आ। इहनां नूं इहो ही असीं मौके ते आके DSP साहब ने भी कहा कि आपां इहदी निशानदेही करवा के जिहड़े भी बंदे ने जिहदा भी प्लाट होया उह जिहनें भी उह प्लाट आया उहदे खिलाफ़ कार्रवाई कीती जाए। फिलहाल मालकी तसदीक करनी जिहड़ी उह बकाया कि मालकी किहदी है। सर मेरा नाम है जितेंद्र कुमार, मैं चेयरमैन हाँ श्री साई एजुकेशन सोसाइटी जी है श्री साई कॉन्वेंट स्कूल चला रही है, इलाका है बाबा बुड्ढा जी एवेन्यू ऑपोजिट न्यू अमृतसर GT रोड अमृतसर। की घटना वापरी है? घटना यह वापरी है 28 तरीक की रात को तकरीबन 1:40 से कुछ व्यक्ति आए आ, उन्होंने नाल स्कूटरी से एक लेडी भी आई है जी उतों लंघती नज़र आई है जी CCTV कैमरे के कैद हो गई फोटो। उन्होंने रात को 1:40 सब तो पहलों आ के मेरे स्कूल के कैमरे भन्ने
मेरे स्कूल के कैमरे चोरी किए, भन तोड़ की, उस तो बाद उन्होंने तारा कटिया, उस तो बाद उन्होंने इस स्कूल के नाल जी प्लाट आ जिहड़ा कि मैडम सुमन शर्मा के नाँ से रजिस्टर्ड है उसकी कंध तोड़ी। कंध तोड़न तो बाद अंदर वो एंटर होए आ, उस चौकीदार रह रहा, परिवार रह रहा है, तो उन्होंने जानू मार दी धमकियां दित्तियां, उस तो बाद जिहड़े आ भज गए। तोड़ भन करन दा धमकियां देण दा कारण की समझो की गल है? कारण है भी ये जो प्लाट अं 2015 का परचेज किया हो ममता को, चौथी थान से जो प्लाट साढ़े को आया, कलोनी इतने बनी है 2002 की, तो प्लाटा की अगर सेल 2005 च हुई है, तो अं प्लाट जोड़ा चौथी जगह पर लिया। अज 20 साल बाद लेडी एक उठ के आन के जी पुराने जमीन की मालिक होगी, वो को रावे 16 मरले बोलते हैं, वो जबरी जोड़ा साढ़े प्लाट के उत्ते कब्जा करना चाहती है, जोड़ा कि गैरकानूनी है। इस संबंधी ही मानयोग अदालत में केस दायर किया, सारे प्रूफ एविडेंस अपने विखाए, तो मानयोग अदालत ने साडे प्रूफ सारे वेंदे हुए वेरीफाई करके साडे हक च स्टे ऑर्डर जारी करता है। तो वो जिहड़े आ जनानी आ वो कहिंदी आ भी मैं ना कोर्ट नूं मानदी आ ना मैं स्टे ऑर्डर नूं मानदी आ, इन्हें पहलों भी ये कंध ढाई ही एक बारी, उदों भी इत्थे परचा दर्ज होया ही, उस तो बाद इन्हें फिर कंध ढाई, इत्थे कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट भी चलती पई है, हुण फिर अज 28 तरीक नूं इन्हें फिर दोबारा कंध ढाई है। असीं बहुत सारिया एप्लीकेशन पुलिस प्रशासन नूं दित्तियां, पर अजे तक पुलिस प्रशासन वल्लों उन्हां दोषियों शैल्टर दे के उन्हां बचाया जा रहा, तो साड़ी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिहड़े मेरे स्कूल के कैमरे तोड़े आ, भन तोड़ की आ, चौकीदार नूं जानों मार दी धमकियां दित्तियां, उत्ते अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की। SHO जिहड़ा आ पूरी तरह उन्हां दे नाल रलिया है। की समझे कोई दबाव आ रहा कि कोई पोलिटिकल हथ है? ये विच ये पुलिस प्रशासन ही ये बारे पूरी तुहानू दस सकदा क्लीयर भी की गल आ, इहदे करके जिहड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। मांग की गल है? साडी मांग इहो आ भी जिहड़े मेरे स्कूल दे कैमरे तोड़े आ, पै कैमरे चोरी कीते आ। जीरा के नए तलवंडी रोड से एक मामला सामने आया है, जहां कुछ अज्ञात चोरों की ओर से जीरा के नए तलवंडी रोड पर स्थित एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान को अपना निशाना बनाते हुए करीब 1.5 लाख रुपयों की बैटरी और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया गया। तो वहीं इस सारी घटना संबंधी जानकारी देते हुए दुकान के मालिक जसवंत सिंह और उनकी बेटे ने बताया कि उन्हें सुबह किसी का फोन आया था कि उनकी दुकान का शटर टूटा हुआ है, जिसके चलते जब उन्होंने वहां आकर देखा तो दुकान का शटर टूटा हुआ था और कीमती सामान चोरी हो चुका था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने जाँच की तो आसपास लगे कैमरों में कुछ सेकंड की एक वीडियो मिली, जिसमें एक गाड़ी नजर आई जिसमें एक टंबा पड़ा हुआ था, जिससे चोरों की ओर से दुकान का शटर तोड़ा गया। वहीं उन्होंने पुलिस प्रशासन से इन चोरों को जल्द से जल्द काबू करने की मांग की है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। रात 1:42 से हुई है, 4:45 पता लगे तड़के। जीरा वासी का रहने वाला वहां, साड़ी दुकान नवे तलवंडी रोड से जीरा से है, संत बैटरी इलेक्शन साढ़े रात तकरीबन 1:30 से चोरी हुई है। उसके जो कैमरे वेख रहा हाथी सीगा, उसके टंबा टंबा लगता पाया जी, इन्होंने आ टंबे के नाल शटर थलो चाके शटर वींगा करता वा। कुछ बैटरे से साढ़े को बैटरे मतलब कि गाहक बैटरे से साढ़े नवे बैटरे से शैल्पा से जी, वो सारिया लै गए जी जाके। फोक्सी जालंधर सोसाइटी की ओर से एक दिवसीय अल्ट्रासाउंड स्कैन और इमेजिंग वर्कशॉप का आयोजन पीएमएस अस्पताल में करवाया गया। तो वहीं इस मीटिंग की अध्यक्षता फॉक्सी प्रेसिडेंट डॉक्टर अमिता शर्मा की ओर से की गई। इस अवसर पर डॉक्टर जगदीप सिंह सिविल सर्जन जालंधर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने ज्योति प्रज्वलित कर वर्कशॉप का शुभारम्भ किया। वहीं दिल्ली से विशेष तौर पर आए डॉक्टर कुलदीप सिंह ने अल्ट्रासाउंड स्कैन के अलग अलग विषयों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी साझा की, जिसमें विशेष रूप से ओवुलेशन, बच्चेदानी की रसौलियां, एंडोमेट्रियम प्रारंभिक गर्भावस्था, वंशानुगत विकारों को जानने के लिए जेनेटिक स्कैन, एनोमली स्कैन एवं भ्रूण के हृदय की जांच के लिए होने वाली स्कैन के बारे में विस्तृत जानकारी दी और विचार विमर्श किया व उपस्थित सदस्यों की तरफ से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस अवसर पर सेक्रेटरी डॉक्टर सीमा पसरीचा, वित्तीय सेक्रेटरी डॉक्टर HK ओबेरॉय,
ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਚ ਕੇ ਚੀਮਾ, ਪੈਟਰਨ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮਧੂ ਦਾਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੇਨੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੇਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਡਾਕਟਰੋਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੇਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। Punjab Institute of Medical Sciences, Jalandhar. Also, I take this opportunity to welcome our chief guest, sir, Dr. J.K. Chawla, for spending his valuable time with us today. We are highly grateful to you, sir, and we welcome you with our whole heart. Although leaps in technology and advances in ultrasound have greatly enhanced and improved the solutions and treatment protocols that we now have, but such meetings often make us realize that constant improvement in our knowledge as clinicians is most important so that we can provide better quality of care and treatment to all women. And for this, I extend our wholehearted gratitude on behalf of our Foxy Jalandhar Society to Dr. Kuldeep Singh sir, who has come all the way from Delhi and has been a senior. And dear colleagues, I, Dr. Arpana Chawla, Joint Secretary of this new team, Foxy Jalandhar, feels grateful to welcome you all. On behalf of this new team of Foxy Jalandhar, GIRO, I would just say coming together is the beginning. Keeping together is progress, but working together is success. Great things are done by a series of small things brought together. We welcome Dr. Kuldeep Singh, jinke aane se hamari conference ki shaan badhi. We are very proud and to tell you, sir, that aapke naam se hi we have more than 150 registrations for today's conference. Now beginning with the dice decoration. Thank all my departmental faculty, Dr. Shell, Professor and Unit in Charge, Dr. Shelley, and I want my Professor and Head Department of Surgery, Dr. Rajneesh, Professor and Head Department of Radio Diagnosis, Dr. Ramesh Chandra, and our Professor Radio Diagnosis, Dr. Seth, even Professor and Head Department of Anesthesia, Dr. Balwinder is also here. And all my dear friends, my sweet nurses, my GDA workers and my housekeeping staff, a very good afternoon to all of you. And it is really nice to see that every gynecologist and sonologist wants to learn new things always and always. And it is a proud privilege and I am really overwhelmed by the presence of all, even the new gynecologists also. Dr. Pooja is also here and Dr. Shruti is also here. I extend a great warm welcome to all of you and I think that this collaboration of Foxy and PIMS Jalandhar should go on and on. My thanks to Dr. Amita Sharma for choosing PIMS as a part of this collaborative program and my great, great thanks to Dr. Kuldeep who has come here. You know, my mother used to tell me when we were small children, even from Civil Hospital Jalandhar, the gynecologists are there. I welcome you all. And you've chosen PIMS to be delivering this seminar. I'll start with the positive news from PIMS. We've recently had two seats in radiology from the NBE. Now this year we'll be adding two seats in gynecology from August to September, whenever the conference happens. It's good to have all of you here. I'll start with Dr. Jaideep Singh Chawla. I am yet to meet a government official like him. He is always accessible, always available. Whatever we need, a lot of help from him, from Bill, and he always provides without any problem. And these machines, this equipment is here because the administration permitted us to get these machines. Each member of you for having been over here and quietly listening to the lecture. I am not a sonologist, I am not a gynecologist. I was here at least 45 minutes prior. Really enjoyed the session, sir. It was very informative. The entire panel discussion was there. And I would like to congratulate the PIMS team. Every time they are very helpful, very supportive for all activities which are being conducted over here.
by whether it's by any other association, by IIT or any other. So thanks for always supporting IIT or any other association. I'm very thankful to each member. Congratulations to Dr. Amita Madam, the entire team of FAUCI, each one of you who have really worked very hard. The entire hall full is very, it's very encouraging. And the most important thing is wind of silence during the sessions. Patron of FAUCI, President Dr. Amita, other office bearers of FAUCI, and Dr. Kuldeep Singh, who has come all the way from Delhi. I am very thankful to him and the dignitaries on the dais, off the dais, who have come to attend this conference. Medicine is an evolving science. It is ever changing. What is true today may not be true tomorrow. And such deliberations, they go a long way to mitigate our doubts and to infer new knowledge amongst us. I would like to conclude, and the quest for knowledge is ever evolving in the minds of the doctors, and I would like to end with a couplet from Allama Iqbal. Sitaron se aage jahan aur bhi hain, abhi ishq ke intihaan. श्री शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट की तरफ से श्री शिव शक्ति मंदिर रोज पार्क गुलाब देवी रोड में 31वां मां भगवती का जागरण बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करवाया गया। इस दौरान जागरण की शुरुआत महंत अजय शर्मा, कुमार मनी शर्मा एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर की। उन्होंने मां की मधुर भेंटों को गाकर भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया, जिसके बाद गायक राजन, मिनी चंचल एंड पार्टी अमृतसर वालों ने देर रात तक मां की भेंटों का गुणगान कर मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। तो वहीं इस जागरण में मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, श्री चामुंडा देवी सेवक संघ जालंधर धर्मशाला के प्रधान दविंदर धीर, शशि गुप्ता, भाजपा नेत्री प्रवीण शर्मा, भाजपा नेत्री सुमन सौंधनी शामिल होकर मां की पावन ज्योति का आशीर्वाद लेकर मंदिर कमेटी को जागरण की बधाई दी। वहीं जागरण में आए हुए मां भक्तों के लिए लंगर प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन भीमसेन जगोता, उप चेयरमैन सुदर्शन कवात्रा, प्रधान रवि महेंद्रू, वरिष्ठ प्रधान हरीश भारद्वाज, उप प्रधान रवि देव मल्होत्रा, उप प्रधान केवल शर्मा, महासचिव राजकुमार भसीन, सह सचिव अश्विनी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष कुणाल कक्कड़, चेयरमैन भंडारा कमेटी दीपक ग्रोवर, सदस्य विनय जोशी, हरबंस लाल खन्ना, हरीश चंद्र कपूर, अशोक जगोता, उदय खुराना, वैभव सचदेवा, राकेश मोंगा, चंदन साहनी, पुजारी ध्रुव नारायण, अनिल भारद्वाज, अनिल महेंद्रू, अंकुर सेठी, अंकिश भारद्वाज, आशीष शर्मा, अनिल शर्मा, आरव सेठी, अमित अग्रवाल, आदित्य जिंदल, वंशराल जैन, भारत भूषण जयरथ, राघव महेंद्रू, शुभम जोशी, सार्थक दुग्गल, भरत कवात्रा, नंद किशोर हांडा, प्रमोद शर्मा, प्रेम जैन, प्रिंस कुगलानी, पंकज जैन, संतोष ज्योति, रजनी महाजन, दीक्षा भारद्वाज, दृष्टि गांधी, सविता कवात्रा, सुमन भारद्वाज सहित माँ भक्त मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर तेरा।
जाना मातुआ।
राकेश जैन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महावीर जैन भवन कपूरथला चौक जालंधर में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जैन समाज और रिश्तेदारों की ओर से स्वर्गीय राकेश जैन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस अवसर पर पूर्व भाजपा मंत्री मनोरंजन कालिया एवं पारिवारिक सदस्यों में बेटा गौरव जैन, संभव जैन सहित राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय राकेश जैन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे चेयरमैन अदालतम श्री विमल प्रकाश जैन जी की, वो आज किसी कारणवश नहीं आ सके, उन्होंने विशेष सांत्वना भेजी है एवं समस्त मनारी परिवार के सदस्यों की तरफ से दिवंगत आत्मा के चरणों में कुछ समितियां तो बहुत हैं, लेकिन समय को देखते हुए मैं पुनः यही परिवार को इस अघात दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति। नमो वज्रायण, नमो लोये सब साहून, केशो पंचे नमो कारो सब पाव बनासनो, मंगलानंच सबे से परम ब्राह्मण की रस्म है, 1 बजे ऊपर निर्मल हाल में होगी, सभी इस बात का ध्यान रखें। कहते हैं सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। आज इस दुख की बेला में जो भी इष्ट मित्र जन संबंधी परिवार का दुख बांटने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, उन सभी का हम श्री सुधीर जी, सुमन जी और गौरव जी, संभव जी, समस्त परिवार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त कर अति धन्यवाद करते हैं, तथा बाहर से जो भी मित्रगण संबंधी विशेष रूप से उपस्थित हुए हैं उनके भोजन की व्यवस्था ऊपर निर्मल हाल में, सभी इस बात का अवश्य ध्यान रखें। परिवार की कृपा प्रार्थना है कि सभी भोजन अवश्य ग्रहण करके जाएं। अब सभी सामूहिक रूप से वीर स्तुति का उच्चारण करेंगे। ओम जय महावीर प्रभु स्वामी, जय महावीर प्रभु जगनायक सुखदा, स्वामी
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर देहात पुलिस की ओर से 6 क्विंटल भुक्की सहित एक व्यक्ति को किया गया काबू। उदयपुर से नशे की खेप लाकर फिलौर में करने जा रहा था सप्लाई। इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगलंबिया के कत्ल के मामले में जालंधर पुलिस ने एक अन्य आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस जांच में जुटी। अमृतसर के 100 फुटी रोड पर एक बुजुर्ग व्यक्ति से एक्टिवा और मोबाइल छीनकर 3 नौजवान लुटेरे हुए फरार। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए।